जी हम कोशिश करते हैं, लेकिन शायद मुश्किल होगी, बहुत नहीं कर सकते हैं यहाँ पर। मैं वैसे आपको बताऊं कि स्वागत उनका किया जा रहा है, और ये आप अगर देखें यहाँ पर इस तरह से आपको दिखाने की, और पास से कोशिश करती हूँ, बहुत पास से, और यहाँ पर उनका स्वागत जो है वो लगातार चल रहा है। अगर आप यहाँ पर आप देख सक रहे हैं, स्क्रीन थोड़ा दूर है, जी और यहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं, पीएम यहाँ पर उतर चुके हैं। अगर आपको तस्वीर दिख रही हो यहाँ पर जी बिल्कुल, हम देख पा रहे हैं अब स्क्रीन पर, एयरपोर्ट की तस्वीर, हम देख पा रहे हैं जी कदमनी, वहां पर पीएम की झलक भी हम देख पा रहे हैं, और ये सीधी तस्वीरें हमारे पास भी आ गई हैं एयरपोर्ट की। पीएम मोदी उतर चुके हैं प्लेन से, वहां पर उनका स्वागत किया जा रहा है, जो औपचारिकताएं होती हैं स्वागत से जुड़ी हुई। जब एक राष्ट्राध्यक्ष किसी दूसरे देश में जाते हैं तो उन तमाम जो औपचारिकताओं के साथ यहाँ पर उनका स्वागत किया जा रहा है। और जो कादमनी ने हमें जानकारी दी कि एयरपोर्ट से पीएम मोदी होटल जाएंगे, वहाँ पर भी उनके स्वागत का कार्यक्रम है। एक बार फिर से हम सीएम कादमनी का रुख कर लेते हैं। कादमनी, पीएम अब यहाँ पर उतर चुके हैं, यहाँ पर वो कितनी देर रहेंगे और उसके बाद फिर आगे की डिटेल्स हमें बताएं। देखिए, अभी भी तो यहाँ पर एयरपोर्ट पर उनका स्वागत हो रहा है, जो जी प्रोटोकॉल होता है उस हिसाब से उनका स्वागत यहाँ पर हो रहा है। आप देखें, अभी वो गाड़ी में बैठ रहे हैं, इसके बाद वो सीधा होटल ही जाएंगे, और वहां पर स्वागत की उनकी तैयारी, कल भी जो हमने तस्वीरें भेजी थी, काफी प्रैक्टिस वगैरह किया है, भारतीय डायस्पोरा के जो लोग हैं उन्होंने भी किया है, जो यहाँ भारत में जो रूस के जो लोग हैं उनके भी हमने देखा, डांसर जो है वो प्रैक्टिस कर रही है, तो काफी उत्साह से उनका स्वागत यहाँ पर हो रहा है। हालांकि ये मैं बता दूं कि मल्टीलैटरल ये समिट है, जी भारत उसका फाउंडर है, ब्रिक्स का बेहद अहम है भारत के लिए, तो ये चीज यहाँ पर याद रखनी होगी कि एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक ब्लॉक जो है अब ब्रिक्स का हिस्सा है, और ब्रिक्स बहुत इकोनॉमिक वेट रखता है, तो वो हमको देखना होगा। और 5 जो नए सदस्य ब्रिक्स के अब बने हैं, जैसे ईरान है, यूएई है, इथियोपिया है, सऊदी है, तो ये जो है काफी अहम अब एक इकोनॉमिक फोर्स अपने आप में है, तो देखा जाएगा कि ग्लोबल साउथ के लिए क्या बेहद अहम है, क्या किया जा सकता है, ब्रिक्स करेंसी के बारे में काफी वक्त से बात हो रही है, तो क्या उस पर भी कुछ होगा, ये सभी चीजें यहाँ पर होंगी। लेकिन बायलैटरल पर ज्यादा नजर इसलिए जी रहेगी क्योंकि हमको पता है कि अभी फिलहाल रूस की स्थिति क्या है, और चीन के साथ जो ब्रेक थ्रू हुआ है उसके कारण। जी कदमनी, हम बायलेटरल की बात कर रहे हैं। अगर हम ब्रिक्स समूह को देखें तो मुख्य तौर पर 5 देशों के संगठन के तौर पर इसकी विश्व में पहचान बनी, हालांकि इसका विस्तार लगातार हो रहा है। तो ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ये ब्रिक्स के 5 देश हैं इस समूह के। हम आपसे जानना चाहते हैं, चीन को लेकर तो खैर अभी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन रशिया के अलावा आज किन लोगों के साथ, किन देशों के साथ बायलेटरल की उम्मीद है? देखिए, हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि जो इजिप्ट हैं उनके भी राष्ट्राध्यक्ष से पीएम की बात होगी, और उनके अलावा बाकी एक या दो और जो बायलैटरल्स होंगे उन पर नजर है। चीन के बारे में अभी कहा नहीं जा सकता है, लेकिन यही उम्मीद लगाई जा रही है कि कल के ब्रेकथ्रू के बाद भी ये लगभग माना जा सकता है कि चीन के साथ भी बात होगी, क्योंकि काफी वक्त से, करीब 4 साल से, 2020 की झड़प के बाद तब से लगातार ये स्थिति बनी हुई है कि रिश्ते जो हैं वो ठंडे बस्ते में हैं। साफ भारत ने कहा था कि जब तक वहां पर एलएसी पे सिचुएशन ठीक नहीं होता है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा, लेकिन कल जो बड़ा ऐलान हुआ है उसके बाद लग रहा है कि अब चीजें जो है काफी तेजी से आगे बढ़ सकती है, क्योंकि चीन और भारत जी दोनों ही ग्रोइंग ताकत हैं, और वहां पर इस क्षेत्र के लिए दोनों का साथ आना शायद बहुत बेहतर होगा बाकी देशों के लिए। जी पीएम अब से कुछ ही देर बाद, अपने दर्शकों को हम बता दें कि अब से कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं, जब पीएम ने पीएम एयरपोर्ट पर उतरे कजान के, वहाँ पर उनका जो प्रोटोकॉल होता है उसके तहत वहाँ पर उनका स्वागत किया गया, और यहाँ पर जो स्वागत कार्यक्रम हुआ उसके बाद वो सीधे होटल के लिए रवाना हुए हैं। वहाँ पर भी पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत किया जाएगा, कदमनी ने हमें ये जानकारी दी। हम अब कदमनी आपसे, मेरा अगला सवाल ब्रिक्स के एजेंडा को लेकर है। इस बार इस 2 दिवसीय सम्मेलन में एजेंडा में मुख्य बिंदु कौन से रहने वाले हैं? देखिए, मुख्य बिंदु तो पहली चीज तो ये है कि जो नए मेंबर्स हैं उनका फॉर्मल स्वागत है, लेकिन जो मुख्य तौर पर देखा जाए तो इकोनॉमिक जो बिंदु है वो बहुत अहम है, और एक
सस्टेनेबिलिटी जो है वो है, इकोनॉमी एनर्जी है, कई चीज़ें हैं जो कि अब ब्रिक्स के एजेंडा में, खास तौर पर हम जिस तरह से देख रहे हैं कि यूएई हो, सऊदी हो या फिर ईरान इसमें है, तो उसमें एक एनर्जी का पहलू आ ही जाता है। तो ये सभी है, थीम बेस्ड भी होता है, तो थीम भी इस बार का है ब्रिक्स का। तो ये सभी मिलाकर यहाँ पर एक बड़ा सम्मेलन है। लेकिन इससे भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो एक संदेश देने की कोशिश है, जो बार बार कहा गया है पश्चिमी देशों के जरिए कि रूस जो है अकेला पड़ गया है, अलग थलग पड़ गया है। तो यहाँ पर आपको बताऊँ कि 32 देशों से ज्यादा के डेलीगेशंस हैं, 24 से ज्यादा हेड्स ऑफ स्टेट्स आ रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ा संदेश देता है कि अभी भी रूस जो है वो एक बड़ा पावर है, इकोनॉमिक एक फोर्स है। तो ये एक बेहद अहम यहाँ पर फैक्टर है। जैसा कि कल जयशंकर ने भी एनडीटीवी के वर्ल्ड समिट में कहा कि रूस ने कभी भारत के लिए कुछ नेगेटिव नहीं किया है, तो ये अपने आप में एक बड़ी चीज है कि एक हिस्टोरिक, स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक अहम रिश्ता लेकर आगे बढ़ रहे हैं यहाँ। जी कदमनी, मैं उन देशों की लिस्ट पढ़ रहा था जिनके जो प्रतिनिधि हैं यहाँ पर आने वाले हैं, उन देशों में जो एक बात मुझे नज़र आई वो ये कि ज़्यादातर वो देश हैं जिनको हम ग्लोबल साउथ के दायरे में रखते हैं। क्या ये माना जाए कि ब्रिक्स के ज़रिए, जैसे हमने G20 में देखा था, ब्रिक्स के ज़रिए भी ग्लोबल साउथ की आवाज़ को एक आधार देने की, एक एम्बियंस देने की कोशिश यहाँ पर होगी? बिल्कुल, एकदम ये मानकर चलना चाहिए, क्योंकि अधिकतर इसमें से जो देश हैं वो ग्लोबल साउथ हैं। भारत अपने आप को ग्लोबल साउथ का नेता जो है, नेतृत्व जो है वैसे मानता है, हमने देखा है ग्लोबल साउथ पर कितने समिट्स हुए हैं। तो कुल मिलाकर ये एक और मजबूती ग्लोबल साउथ को जरूर दे रहा है ब्रिक्स, क्योंकि उसमें और भी ग्लोबल साउथ के देश जो हैं वो सामने आ रहे हैं, और कई ऐसे देश हैं जो कि ब्रिक्स का हिस्सा होना चाहते हैं। और ब्रिक्स जैसे जैसे अभी, हालांकि ये नहीं कहा गया है कि एक्सपेंशन किस प्रकार से होगा या होगा अभी फिलहाल, या फिर कोई और तरीके से उनको ब्रिक्स से जोड़ा जाएगा जैसे बाकी कई जगहों पर कई ग्रुप्स में जोड़ा जाता है, तो ये भी संभावना है कि दूसरी तरह से ब्रिक्स से जोड़ा जाए बाकी जो देश इसका हिस्सा होना चाहते हैं। लेकिन दिनों दिन अगर आप देखें तो ब्रिक्स जो है एक नई मजबूती के साथ यहाँ पर उभरा है, खासकर कजान के सम्मेलन से, तो वो अपने आप में काफी मायने रखता है, न सिर्फ मेजबान देश के लिए बल्कि ब्रिक्स के लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया कदमनी आपका इस पूरी जानकारी के लिए, विस्तार से आपने तमाम पहलुओं पर रोशनी डाली है। आपसे आगे भी हम संपर्क में रहेंगे, और आज पूरे दिन हमारी नजर इस खबर पर बनी हुई है, और जैसे जैसे अपडेट होगा, नई नई तस्वीरें आएंगी, वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।